फिर से नई मुश्किलों में फंसे ट्रंप फ्लोरिडा के अपने आलिशान रिसोर्ट में रह रहे पूर्व राष्ट्रपति को मिला लीगल नोटिस, एग्रीमेंट तोड़ने का लगा है आरोप। पाकिस्तान को यूएस का दो टूक जवाब, कहा अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल के हत्यारों को हमें सौंपे पाकिस्तान, उन्हें रिहा करना होगी नाइंसाफी। अमेरिका के 38 राज्यों में वैक्सीनेशन में मदद के लिए नेशनल गार्ड्स हुए तैनात, ईयू में एस्ट्राजेनिका वैक्सीन को मिली मंजूरी, दुनिया में अब तक 10.25 करोड़ से ज्यादा संक्रमित। भारत के खिलाफ फिर साजिश रच रहा चीन और पाकिस्तान, पाकिस्तानी नौसेना के लिए चीन ने बनाया दूसरा लड़ाकू जहाज, 4 वॉरशिप का हुआ सौदा। रिपब्लिकन पार्टी के कट्टरपंथियों पर अमेरिकी जांच एजेंसियों की निगाहें, ट्रंप समर्थक ने हिंसा को सिविल वॉर बताया था। उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप जारी, कोहरे के कारण 10 ट्रेनें हुई लेट, यात्री हो रहे परेशान, दिल्ली यूपी हरियाणा सहित अधिकतर राज्यों में ठंड का प्रकोप जारी। देश की राजधानी दिल्ली में हुआ धमाका, सुरक्षा एजेंसियों ने पहले ही जताई थी आशंका, किया गया था राजधानी में हाई अलर्ट, बीटिंग रिट्रीट समारोह से महज 2 किलोमीटर दूर हुआ धमाका। बैकफुट पर आया प्रशासन, पुलिस प्रशासन की रणनीति हुई फेल, मुजफ्फरनगर महापंचायत ने फूकी जान, आंदोलन फिर लंबा खींचने के लगाए जा रहे कयास। दिल्ली में इजराइल एम्बेसी के बाहर हुए बम धमाके की जांच जोरों पर, स्पेशल सेल की टीम जांच में जुटी, इजराइल ने बताया इसे आतंकी हमला। गाजीपुर समेत आसपास के इलाकों में इंटरनेट पर लगी रोक, 8 घंटे की भूख हड़ताल पर बैठे किसान, किसान नेता राकेश टिकैत अपने समर्थकों के साथ डटे। मध्य प्रदेश में ठंड का प्रचंड रूप, पचमढ़ी में रात का पारा 1.6 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, रायसेन में खेतों में जमी बर्फ, 16 जिलों में कूल वेव, 31 के बाद राहत की जताई उम्मीद। अब राजधानी भोपाल में भी कार में बैठकर लीजिए थिएटर का मजा, राजधानी को मिली ड्राइव इन सिनेमा की सौगात, भोपाल के अशोका लेक व्यू होटल परिसर में हुई शुरुआत। असगर वजाहत के लिखे नाटक पर बन रही फिल्म में सनी देओल होंगे हीरो, राजकुमार संतोषी करेंगे निर्देशन, भोपाल के सीएम हाउस में आज होगा फिल्म का अनाउंसमेंट। प्यारे मियां यौन शोषण मामले ने फिर पकड़ा तूल, नाबालिग बच्चियों की सुपुर्दगी देने से अदालत ने किया इनकार, 2 से 6 फरवरी तक रोज दर्ज होंगे गवाहों के बयान। यूपी के किसान आज गाजीपुर करेंगे कूच, हिंसा का प्रायश्चित करने के लिए किसान नेताओं ने रखा उपवास, किसान आंदोलन का है आज 66वां दिन। अब यूवी किरणों से सैनिटाइज होगी लखनऊ की मेट्रो, अब तक यह तकनीक न्यूयॉर्क मेट्रो के पास थी, भारत में पहली बार होगा इसका प्रयोग। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होगा, योगी सरकार पेश करेगी आखिरी बजट, बजट की तैयारियों में जुटी सरकार। नक्सल मोर्चे पर तैनात जवानों को मिली बड़ी सफलता, आईडी लगाने में एक्सपर्ट, 2 नक्सली को सुरक्षा बलों ने दबोचा, कई घटनाओं में थे शामिल। अनशन से पीछे हटे अन्ना, कहा मुझे उम्मीद है कि सरकार वादा करेगी पूरा, इसलिए अनशन नहीं होगा, केंद्र ने बनाई 6 मेंबर्स की कमेटी। महाराष्ट्र में पड़ेंगे अमित शाह के कदम, 6 फरवरी को कोंकण के दौरे पर पहुंचेंगे अमित शाह, मेडिकल कॉलेज के एक कार्यक्रम में होंगे शामिल। ऑस्ट्रेलियन ओपन में सिर्फ 50% दर्शकों को मिलेगी एंट्री, 30,000 फैंस हर रोज स्टेडियम पहुंचकर देख सकेंगे मैच, 8 फरवरी से शुरू होगा टूर्नामेंट। 87 साल में पहली बार नहीं होगी रणजी ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली के बाद विजय हारे, महिला टूर्नामेंट और वीनू माकन ट्रॉफी की तैयारी। बिना केबल घूमते फिरते चार्ज कर सकेंगे अपना स्मार्टफोन, कई मीटर दूर से चार्ज होगा स्मार्टफोन, शाओमी ने पेश की एमआई एयर चार्ज तकनीक। छह दिनों में सेंसेक्स 8% के करीब टूटा, मार्केट कैप 13 लाख करोड़ घटा, 5 दिनों में सेंसेक्स में 3,900 से ज्यादा अंकों की गिरावट आई सामने।
बजट के लिए तीन एक्सपर्ट्स ने दिए सुझाव, कोरोना सेस न लगाए, इससे निवेशकों में होगी निराशा। कहा ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाया जाए टैक्स के दायरे में।